प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज की जिलाध्यक्ष अमित त्रिपाठी के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम स्थानीय कस्बे के गांधी चौक पर स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर लद्दाख में चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ स्थानीय लोगों से चीन निर्मित सामानों को बहिष्कार करने की अपील भी की गई। इस अवसर पर बोलते हुए प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष अमित त्रिपाठी ने कहा कि चीन ने भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला कर जो गद्दारी की है वह अत्यंत ही निंदनीय है। ऐसे गद्दारों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि चीन ने भारत को पुराना भारत समझकर बड़ी भूल की है और अब वह इसका अंजाम भुगतने को तैयार रहे। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार राहुल त्रिपाठी, अतीक अहमद, अजय जायसवाल, गुलाम मुस्तफा इदरिशी, राजा अग्रहरी, मुराद अली, अनूप जायसवाल, अंगद शर्मा, विजय चंद बरनवाल, इमरान अहमद, विनोद पटवा, मोहित मोहम्मद, आरिफ अली अहमद, महबूब आलम, बबू राव आदि लोग मौजूद रहे।